हर साल पौष मास में सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग धन, सुख समृद्धि, सफलता और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसको मकर संक्रांति के दिन करने से आप पर धन, सुख समृद्धि, सफलता और महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस साल सूर्यदेव 14 जनवरी की रात्रि 8:21 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू ग्रंथों, पुराणों और महाभारत में मकर संक्रांति का उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस उत्सव को शुरू किया था। महाभारत में पांडवों के निर्वासन के दौरान मकर संक्रांति मनाई गई थी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति पर भूल कर भी ये चीजें कभी किसी को दान मत करना, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा, आप बर्बाद हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मकर संक्रांति के दिन घर की ये चीजें कभी किसी को दान मत करना। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को ये 6 चीजें कभी दान नहीं करना चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और ना ही किसी भूखे प्राणी का। दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं। ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते। साथ में हम ये भी जानेंगे शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक डेले वाला होना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन कलेश होता है, झगड़े होते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव हैं, वो आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वो कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूँगा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता,
कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या सफेद का कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को सवा किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी बास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है, सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धाने से माला माल कर देती है। दोस्तों, आप जानते हैं क्या दान ना करें, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। फटे कपड़े किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू छुरी ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्या दान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्या दान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्या दान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्या दान भूल कर भी मत करना। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।